फ्रेंड्स, चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने चिकन लिया है, बोनलेस चिकन, और इसको मैंने छोटा छोटा करके काट दिया है। आप और भी छोटा कर सकते हो, छोटा करने से चिकन जल्दी पक जाता है। तो मैंने ये साइज रखा है, आप छोटा भी कर सकते हो। और इसको मैरिनेट करने के लिए मैंने थोड़ा सा नमक लिया है और ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। तो इसमें ऐड कर देते हैं। चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन को मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद बाकी का प्रोसेस करेंगे। ये देखिए, ये कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर को मैंने इसमें चिकन में डाल दिया है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, ये पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे और इसमें थोड़ा सा हम चिली सॉस डालेंगे, रेड चिली सॉस। पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे और इसको हम क्या करके मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब इसको चिकन को फ्राई करेंगे, ये सारा जो हमने सोया सॉस, चिली सॉस और ब्लैक पेपर पाउडर डाला है और नमक डाला है, ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। और जब फ्राइड राइस बनाएंगे तो ये अच्छा टेस्ट आएगा। तो अभी देखिए, मैंने इसको मैरिनेट कर दिया है, चिकन पीसेस को। तो आप ऐसे मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए आप रख सकते हैं, उसके बाद बना सकते हैं। बोनलेस चिकन को तो मैंने मैरिनेट कर दिया है। अभी मैंने ये राइस लिया है, ये जो राइस है ये पुलाव राइस है, पुलाव राइस लिया है मैंने। आप कोई भी राइस ले सकते हो। तो इस राइस को 1 कप लिया है मैंने। तो इसमें क्या करूँगी, मैं पानी में डाल के इसको 3-4 बार अच्छे से धो के फिर पानी में भिगो के मैं 10 मिनट छोड़ दूंगी, उसके बाद ये राइस बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट के लिए मैंने राइस को भिगो दिया था। अभी हम क्या करेंगे, प्रेशर कुकर में डाल देंगे। मैंने उसका पानी जो निकाल दिया था, तो अभी मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल देती हूँ और इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी देके प्रेशर कुकर में हम 2 सीटी लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं राइस को कुकर में बना रही हूँ, आप पतीले में भी बना सकते हो। और कुकर में हम क्या करेंगे, 2 सीटी लगाएंगे। 2 सीटी के बाद गैस ऑफ कर देंगे और उसका पूरा प्रेशर जाने के बाद ही हम कुकर को खोलेंगे। फ्रेंड्स, जो चिकन, बोनलेस चिकन को हमने मैरिनेट करके रखा था, वो 1 घंटा हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, बोनलेस चिकन को अभी फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई मैंने ये नॉन स्टिक लिया है, तो ये है बहुत अच्छा है। जो हम चिकन को फ्राई करते हैं नॉन स्टिक में, तो वो क्या होता है ना, चिपकता नहीं। नहीं तो जैसे एल्यूमिनियम की कढ़ाई और स्टील कढ़ाई में तो आप बिल्कुल नहीं करना, उसमें सारा चिकन चिपक जाता है। तो मैं जब भी चिकन फ्राई करती हूँ इस तरह का, ये अच्छी कंपनी का है नॉन स्टिक, जो ख़राब नहीं होता है, चिपकता नहीं है। तो मैं अभी क्या करूँगी, तेल गरम हो गया है कढ़ाई में, तो मैं अभी चिकन पीसेस फ्लेम कर दूँगी कम, और मैं सारे जो चिकन पीसेस हैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसको क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा ब्राउन होने तक तो मीडियम फ्लेम पे चिकन पीसेस को फ्राई करेंगे। आप ज़्यादा क्वांटिटी का भी डाल सकते हैं या कम क्वांटिटी के, 2 बार में भी आप उसे फ्राई कर सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, 2 मिनट तक इसको पकाएंगे, फिर इसको हम कलर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारे चिकन पीसेस को मैंने एक साथ डाल दिया है। अभी थोड़ा सा क्या करेंगे, चला लेंगे और 2-2 मिनट के बाद इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि चिकन हमारा अच्छे से पक जाएगा। हाई फ्लेम करेंगे तो चिकन ब्राउन हो जाएगा, लेकिन ये अच्छे से पकेगा नहीं। तो लो मीडियम फ्लेम पे हम चिकन को अच्छे से पकाएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, देखिए अभी चिकन हमारा फ्राई हो गया है। लो मीडियम पे मैंने 10 मिनट पकाया है इसको। अगर मीडियम फ्लेम पे आप अगर पकाएंगे तो इसके सामने रह के आपको पलटना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी कैसे पता चलेगा हमारा चिकन पका या नहीं। एक चिकन को
हम प्रेस करके देखेंगे, कट करके। अगर कट जाता है तो चिकन हमारा पक गया है। देखिए, देख रहे हैं चिकन अलग हो गया है। तो हमारा ये चिकन अभी पक गया है। ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ज़्यादा पकाएंगे तो चिकन हमारा हार्ड हो जाएगा। तो हम गैस ऑफ कर देते हैं और चिकन को एक थाली में निकाल देते हैं। खाली बर्तन नहीं आ किसी में भी आप चिकन को निकाल सकते हैं। देखिए मैंने ये बर्तन लिया है, मैं अभी चिकन पीसेस को इसमें निकाल दूंगी इसी कढ़ाई में। फिर मैं चिकन फ्राइड राइस बना दूंगी। आप दूसरा कढ़ाई भी ला सकते हो, मैं इसी कढ़ाई में बना दूंगी क्योंकि इसका जो मसाला है उससे बहुत अच्छा फ्राइड राइस में टेस्ट आएगा। वैसे मैं सारा कुछ निकाल देती हूँ चिकन पीसेस। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने प्रेशर कुकर में राइस बनाया था उस राइस को देखिए कितना अच्छा खिला खिला बना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं चिपका है और फ्राइड राइस भी बहुत अच्छा इससे बनता है। फ्रेंड्स और एक बात बताना मैं भूल गई थी, जब आप राइस प्रेशर कुकर में डाल के चावल को गैस पे चढ़ाओगे और कुकर में, उस टाइम थोड़ा सा आपको नमक भी डालना है। मैं नमक डालना दिखाना भूल गई थी, लेकिन मैं हमेशा राइस में नमक डाल के ही बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये राइस रेडी हो गया है। चिकन तो हमने फ्राइड कर लिया था, कुछ वेजिटेबल्स ले रही हूँ। देखिए वेजिटेबल्स में मैंने लिया है गाजर, शिमला मिर्च और ये पत्ता गोभी लिया है। आप ब्रोकोली भी ले सकते हैं और कॉर्न भी ले सकते हैं, अपने पसंद के कोई भी सब्जी ले सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा हरा प्याज लिया है कट करके, और ये मैंने हरा धनिया लिया है। ये थोड़ा सा जो हरा प्याज का जो प्याज का पार्ट लिया है, ये थोड़ा सा लाल प्याज को कट करके लिया है। थोड़ा सा मतलब स्पाइसी बनाने के लिए 6 हरी मिर्ची लिया है, और मैंने ये 8-10 लहसुन को पतला पतला काट दिया है। तो अभी हम शुरू करेंगे, सब कुछ रेडी हो गया है, अब फ्राइड राइस बनाना हम शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने उसी कढ़ाई में ही तेल थोड़ा डाला और उसमें लहसुन डाल दिया। लहसुन डाल के थोड़ा फ्राई कर देंगे, ब्राउन कर देंगे। आप चाहे तो दूसरी कढ़ाई भी ले सकते हो, लेकिन मैं इसी कढ़ाई में ही बना रही हूँ। तो लहसुन हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो प्याज लिया था हमने, प्याज को उसमें ऐड कर देंगे। प्याज को ऐड करके थोड़ा सा पका लेंगे, हाई फ्लेम पे ही करेंगे, इसीलिए आप कढ़ाई थोड़ा मोटे कढ़ाई भी आप ले सकते हैं। तो और स्टील की कढ़ाई तो आप बिल्कुल नहीं लेना। स्टील की कढ़ाई में जब हम बहुत तेज आंच पर सब्जी सब फ्राई करेंगे वो सब जल सकता है। देखिए ये थोड़ा सा वो चिकन का पीसेस वगैरह है, आप चाहे तो रख सकते हैं या चाहे तो निकाल भी सकते हैं अलग से। तो मैं इसको हटा देती हूँ, थोड़ा सा जो हमने चिकन फ्राई किया था ना तो वो उसका थोड़ा थोड़ा ये रह गया है, तो इसको मैंने हटा दिया है। रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करें, सब्जियाँ फ्राई करते हैं सब्जियों में से, और जो हमने हरी मिर्ची लिया है उसको भी ऐड कर देते हैं इसमें। तो लहसुन डाल दिया है, प्याज डाल दिया है, हरी मिर्ची डाल दिया है। इसको थोड़ा अभी हाई फ्लेम पे है हमारा जो कढ़ाई भी हाई फ्लेम पे हमने रखा है। तो अभी क्या करेंगे, सब्जी सब फ्राई कर देते हैं। सब्जी सब पहले क्या करेंगे, हम शिमला मिर्ची डाल देते हैं, गाजर डाल दिए, गाजर शिमला मिर्ची डाल के हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पका देंगे। सारा अच्छे से मिक्स कर देते हैं 2 मिनट के लिए पका। देखिए फ्रेंड्स, गाजर शिमला मिर्च अभी थोड़ा पक गया है, ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें क्रंची रखना है गाजर शिमला मिर्च को। बाकी सब जब डालेंगे तब भी पकेगा, इसलिए अभी हम क्या करेंगे, जो हमने पत्ता गोभी लिया था पत्ता गोभी डाल देंगे। आप इसमें कॉर्न और फ्रेंच बीन्स, ब्रोकोली, अपने पसंद के सब्जी कोई भी, मटर डाल सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही चिकन डाल रही हूँ तो कम ही मैं डाल रही हूँ जो सब्जियाँ। तो अभी पत्ता गोभी को ज़्यादा टाइम नहीं पकाएंगे, थोड़ा 1 मिनट के लिए खाली फ्राई करके। अभी हमारा जो पत्ता गोभी 1 मिनट के लिए फ्राई हो गया है, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे नहीं तो एकदम सिकुड़ जाएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर इसमें डाल देती हूँ, ब्लैक पेपर पाउडर डाल के इसमें मिक्स कर देती हूँ। और इसमें हम क्या करेंगे, जो हम चिकन पीसेस लिए थे फ्राई किए थे
और उसको हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। इतना जूसी बना है ये चिकन पीसेस, हमने जो उसमें कॉर्नफ्लोर्स और सोया सॉस डाल के हमने इसको मैरिनेट करके रखा था, फिर जब फ्राई किया तो ये बहुत जूसी बन गए हैं और अच्छे से पक भी गए हैं। तो देखिए देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम करके हम इसमें डालेंगे, थोड़ा स्पाइसी अगर खाते हैं तो चिल्ली सॉस आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने हरी मिर्ची भी बहुत सारा डाला था और ब्लैक पेपर पाउडर भी डाला है। अभी थोड़ा सा मैं चिल्ली भी थोड़ा ज़्यादा डाल देती हूँ, स्पाइसी अब खाने का मन हो रहा है। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा विनेगर भी डाल देंगे, अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसमें थोड़ा सा सोया सॉस भी डाल देते हैं। चाइनीज फ्राइड राइस से चिकन फ्राइड राइस को चाइनीज चिकन फ्राइड राइस से सॉसेस वगैरह अच्छे से हम डालते हैं, तो इन सबको अच्छे से हम पका लेंगे। हमने अभी नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, हम नमक भी इसमें अभी ऐड करेंगे थोड़ा सा, ये सॉसेस को पका लेंगे सब्जियों के साथ और इसमें फिर हम नमक ऐड कर देंगे। तो अभी मैंने पका लिया है इन सबको, चिकन और ये सब्जियों को। अभी हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा इसमें ये जो हमने हरा प्याज काट के रखा था ये थोड़ा मैं डाल देती हूँ। देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे ना तो अच्छा फ्लेवर आएगा, तो हरा धनिया भी डाल देते हैं। और ये मैं सब अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, चिकन तो हमारा अच्छे से पक चुका है। अभी हम फिर राइस ऐड कर, अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमने नमक बिल्कुल नहीं डाला था तो हम क्या करेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, जितना आप क्वांटिटी होगा उसके हिसाब से आप नमक डालना, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। अभी हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे, फ्लेम को थोड़ा कम कर देती हूँ। तो अभी देखिए मैं नमक को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। फ्रेंड्स ये जो चिकन हमने डाला है, अभी ये सॉसेस वगैरह सब जो नमक डाला है, एक दो मिनट पका के आप ऐसे ही आप खा सकते हो, ये बहुत टेस्टी लगता है। कभी कभी मेरा मूड होता है तो मैं ऐसे चिकन को थोड़ा सा सब्जियों के साथ और सॉस के साथ डाल के ऐसे तड़का लगा के मैं खाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम अभी इसमें राइस डालेंगे। राइस वो कुकर में से ऐसे डालने से पहले थोड़ा सा हाथ में पानी लगा के फिर हम राइस को क्या करेंगे, देखिए मैं डाल देती हूँ राइस, देख रहे हैं ना कितना खिला खिला है राइस। तो अभी क्या करेंगे, राइस को इसमें डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स सारा राइस कुकर का मैंने इसमें डाल दिया है और इसको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हरा प्याज डाल देती हूँ और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ। डाल के क्या करेंगे, अच्छे से ऊपर नीचे करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स अच्छे से इनको मिक्स करना है। देखिए फ्रेंड्स राइस और चिकन को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बनाइए चिकन फ्राइड राइस, ये चाइनीज स्टाइल में बनाया है सॉसेस के साथ, बहुत अच्छा बहुत टेस्टी बनाया है ये, मेरे घर में सबको पसंद आता है। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए अपने घर में, सबको खिलाइए, सबको बहुत पसंद आएगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।